हाय व्यूअर्स, मैं फहीम मत्तू अर्थ प्रकाश की स्पेशल रिपोर्ट के साथ आज हम बात करने वाले हैं द कश्मीर फाइल्स मूवी के बारे में। द कश्मीर फाइल्स की रिलीज़ के बाद जहां कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों ने इस मूवी को सराहा भी, लेकिन कश्मीर के लोगों का मानना है कि पूरी फिल्म घटना एक तरफ दृश्य को चित्रित कर रही है जो न केवल मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है बल्कि हिंदू समुदाय के सदस्यों को भड़का रही है। तो संदीप मावा है, आई एम द चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिकॉन्सिलिएशन फ्रंट। देखिए, ये जो कश्मीर फाइल मूवी है, द सब्जेक्ट ऑफ द मूवी इज कश्मीरी पंडित एग्जोडस। सो ऑफ कोर्स जो इसका एम्फेसिस होगा दैट इज ऑन द एग्जोडस ऑफ कश्मीरी पंडित। तो और जो भी ये कहानी है कश्मीर फाइल्स की, ये मेरी कहानी है। मेरे पिताजी पे हमला हुआ, चार गोलियां मारी गई, मुझ पे मारी गई, तो ये हमारी घर की गाथा है। देर इज़ नो डाउट कि ये कहीं आउट ऑफ द मसाला है, कुछ है, इट इज़ परफेक्टली ट्रू स्टोरी। रिलीज की गई है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि आप भी क्योंकि यहाँ पे जो 90 की दिहाई में जो यहाँ पे हुआ है उसमें एक मुसलमान भी शिकार हुआ है, एक पंडित भी शिकार हुआ है। जितनी भी यहाँ पे कम्युनिटीज रह रही है या अभी भी है वो सारे सफ़र हो चुके हैं। एक बात जो फिल्म में दिखाया गया, एक पार्ट जो पंडितों के साथ, कोई नहीं पंडितों के खिलाफ है, सब कश्मीरी, आम कश्मीरी पंडित हमारे भाई हैं, हम हमेशा भाईचारे की तरह यहाँ पे रहे हैं। मगर एक साइड उसमें दिखाया गया, बाकी साइड उसमें दिखाया नहीं गया, सरदारों का दिखाया नहीं गया। मुस्लिम्स उसमें मरे, सरदार मरे, पंडित भाई भी मरे, सब मरे, जो भी कश्मीरी था वो मरा। ये जो फिल्म यहाँ पे रिलीज़ हुई, देखना ये है कि उसके बाद ही यहाँ पे बहुत सारे जो मुंह खामोश थे वो मंजर पे आम पे क्यों आ गए। देखना ये है कि इस फिल्म की वजह से यहाँ पे एक भाईचारा जो था वो ख़त्म होने लगा। गिला है यहाँ कश्मीर की मीडिया से और कश्मीर के लोगों से कि हमारी कहानी नहीं दिखाई गई। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जो नेशनलिस्ट कश्मीरी मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, उनके साथ भी जुल्म हुआ है, चाहे वो पाकिस्तान ने किया हो या जो हुर्रियत है या जो यहाँ के रीजनल पॉलिटिक्स पॉलिटिशियंस हैं या पुलिस है या एडमिनिस्ट्रेशन है, उनकी भी गाथा दिखानी चाहिए। मैं देर इज़ ऑलवेज नेक्स्ट टाइम हम रिक्वेस्ट करेंगे जो भी डायरेक्टर्स बॉलीवुड में इंटरेस्टेड हैं वो एक कंप्लीट स्टोरी दिखाएं। डायरेक्टर साहब शायद भूल गए, उन्होंने फिल्म दिखाई 4 करोड़ 5 करोड़ अंदर गया, मगर उसके बाद उन्होंने पंडितों के लिए क्या किया? क्या पंडितों में वो पैसा बटा? पंडितों के लिए आज तक ये हुआ कि हाँ जी पंडितों को बसाएंगे? पिछले 30 साल से क्या हो रहा है, बसाए आज तक? एक घर भी दिखाए उनके, खाली उनके ऊपर पॉलिटिक्स हुई है साहब। उन अगर हम उस पंडित से बात करें जो साल यहाँ रहता था और अब कश्मीर से बाहर गया, उसकी नई जनरेशन जो है अगर वो ये फिल्म देखेगी तो डेफिनेटली उसके मन में जो आएगा कि हमारे कश्मीरी भाई जो है, मुसलमान भाई जो है, बहुत बड़े दुश्मन हैं हमारे। लेफ्टिस्ट माइंडसेट पार्टीज ने, स्पेशली कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने किया था, वो एक झूठा नैरेटिव था कि जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाया। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। तो देश के सामने हकीकत आनी चाहिए, ये एक ईमानदाराना कोशिश है। मैं मुबारकबाद दूंगा विवेक अग्निहोत्री जी को कि उन्हें इतना हिस्टोरिक स्टेप लिया, जबकि ये लो बजट मूवी थी और शायद उनको पूरा एहसास था कि ये कमाएंगे नहीं, लेकिन इट इज़ समथिंग स्पिरिचुअल कि ही मेड फॉर्चून्स आउट ऑफ इट। द क्वेश्चन इज, ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 18 जनवरी 1990 में जब जगमोहन जी को अपॉइंट किया गया तो फारूक अब्दुल्ला ने तब तक सारा ग्राउंड बना चुका था फॉर द एग्जोडस ऑफ कश्मीरी पंडित्स। अखबारों में उससे पहले निकाल बिल्कुल पोस्ट अखबारों में स्टेटमेंट्स आई कि भाई कश्मीरी पंडित निकल जाए यहाँ से, अलसफा पेपर था वो। उस पर भी जांच पड़ताल होनी चाहिए, वो भी फिल्म में दिखाना चाहिए। एक जब कोई हिंदू मरता है उसको कश्मीरी उठाता है, वो भी मूवी में दिखाना चाहिए। एक टूरिस्ट के पैसे एक ऑटो रिक्शा में रहते हैं उसको एक कश्मीरी ड्राइवर वापस देता है, वो भी मूवी में दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ें मायने नहीं रखती, एक मूवी किसी कम्युनिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकती। फैक्ट सामने नहीं आएगा, दूरियाँ बढ़ेंगी। अब फैक्ट सामने आ चुका है, कुछ देर जख्म थोड़ा भारे भरे रहेंगे, लेकिन इन द लॉन्ग रन एक रिकंसिलेशन होगा और अमन की ओर कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, बौद्ध सब एक होंगे और कश्मीर तरक्की की ओर आने वाला है।